नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम कांटे की टक्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। आज हम पहुंचे हैं कृषि क्षेत्र में सबसे मध्य प्रदेश के पिछड़े संसदीय क्षेत्र शहडोल में। शहडोल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने दल बदलू नेताओं को प्रत्याशी चुना है। बीजेपी की बात करें तो हिमाद्री सिंह, जो कि 2016 में कांग्रेस के खाते से लोकसभा का उपचुनाव लड़ चुकी हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही महिलाएं हैं। इसके साथ ही लोकसभा की 8 विधानसभाओं में से 4 पर बीजेपी तो 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। इसके साथ ही दोनों ही प्रत्याशियों की एक दूसरे के दल में गहरी पैठ होने से यहां पर कांटे की टक्कर है। शहडोल संसदीय क्षेत्र में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है और हम देख पा रहे हैं जो कांग्रेस प्रत्याशी जो प्रमिला सिंह हैं वो अपने क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए निकली हैं। और ख़ास तौर पर शहडोल जो संसदीय क्षेत्र की बात करें, सीट की बात करें, तो ये कोल माइंस के लिए जानी जाती है। और फिलहाल जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, कोल माइंस के जो कर्मचारी हैं, जो एक बड़ा जहां पर मतदाता माना जाता है, उन्हीं के बीच हैं और जनसंपर्क आपका जारी है। क्या कहेंगे इस बार, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के बीच पहले हम युवाओं के लिए रोज़गार उनका स्थापित कराने के लिए, हमारे युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और कहीं गुजरात, मेरठ और सूरत पलायन कर रहे हैं जी। तो पहला हमारा तो यह है कि उसमें और संसदीय क्षेत्र में अपने जो मूलभूत सुविधा, पानी है, सड़कें हैं, बिजली है, ये समस्या बार बार क्षेत्र में आ रही है, तो उसे भी मेरा प्रयास रहेगा कि उसमें अच्छा करें। और सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य हो और बेहतर आवागमन की सुविधा और सिंचाई, मेन ये मुद्दा रहेगा जी। और किन राष्ट्रीय, चूँकि पूरा जो चुनाव है राष्ट्रीय मुद्दे इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हावी हैं, क्या देख पा रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं? और 72,000 जो अभी माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने घोषणा किया है घोषणा पत्र में कि प्रत्येक गरीब परिवार को 6,000 महीना और साल में 72,000 रुपये जो देने का है इसमें। और कल तो राहुल गांधी जी जब शहडोल आए थे तो उसमें भी कह के गए कि जो हमारे युवा अगर उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसे 3 साल तक के लिए उसको कोई रजिस्ट्रेशन और परमिशन की आवश्यकता नहीं है और 3 साल बाद स्थापित होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ऐसा कानून उसमें हम लाएंगे करके। 2016 में चुनाव हुए थे, बीजेपी ने सीट अपने कब्जे में की थी, तो आपको लगता है कि उपचुनाव के बाद जो क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ है, क्या लगता है आपको? नहीं हुआ है, जितना बोले थे उतना नहीं हुआ है। बाकी वो तो मैं भी पहले पूर्व में विधायक रही, अपने क्षेत्र में जो शहडोल में इतना है कि अपन क्षेत्र के विकास करें तो शहडोल में की कराई हूँ मैं खुद अपने उसमें। अब आगे लोकसभा में अवसर मिलता है तो इससे पहले तो आप बिल्कुल बीजेपी के उससे थी, तो क्या लग पाए कमी कहाँ रही कि आपको कामन का जो है कांग्रेस का दामन थामना पड़ा? नहीं, कमी कोई नहीं है, मैं तो घर वापसी हुआ है जी। और हमें अरे अभी सभी जितने हैं भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं वो अपने आप को वो महसूस करते थे और घुटन महसूस करते थे और आज सभी छोड़ के आ रहे हैं। कल हमारे रामलाल बैगा जी जो इसमें बैगा आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे तो वो भी ज्वाइन किए जी। और गुणवाना भी कल समर्थन किया है हमारे पक्ष में। और जैसे हमारे बहुत वरिष्ठ नेता सरावगी जी जो अभी इसमें भाजपा छोड़ कर घर बैठे हैं, तो सभी बीजेपी के आ ही रहे हैं सब। एक एक वोट महत्वपूर्ण है और कड़ाके की धूप है,
मेहनत तो ज्यादा करना पड़ रही है। हाँ, कर रहे हैं हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे जो वरिष्ठ नेता विधायक जी हैं, है अब यहाँ के उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, करेंगे अपने क्षेत्र के, और हमारे सब कार्यकर्ता उत्साहित हैं और क्षेत्र में भी जनता भी खूब उत्साहित है, इस बार परिवर्तन चाह रही है। आपको लगता है कि राहुल जी आ चुके हैं, अब किसकी ज़रूरत है कि आपके एरिया में आए प्रचार करें तो आपकी सीट पक्की हो जाए? नहीं, सीट तो पक्की है हमारी। जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी जी आने के बाद मुझे नहीं लगता कि और कोई नेता को बुलाने की आवश्यकता है, और जहाँ विधायक हमारे हैं, विधायक खुद यहाँ सक्षम है और अपने क्षेत्र में अच्छा करेंगे। कोई रोड में लेकर आई हैं आप जनता के बीच की, नहीं जीत गए तो अगले 5 साल में फिर शहडोल ऐसा होगा? होगा ना, अब शहडोल संसदीय क्षेत्र का ही अब पूरा प्रयास रहेगा कि बेहतर अपने शहर को व्यवस्थित किया जाए, चाहे वो अनूपपुर हो, शहडोल हो, अमरिया हो, और बेहतर सिंचाई और पानी इसका है ही पेयजल की व्यवस्था। कोई ऐसे 2-4 मुद्दे बता पाएंगे जिनके आधार पर आप जनता के बीच ले जा रही हैं, आप जो है वोट उसी आधार पर देगा आपकी जनता? देगी, अब वही तो 72,000 जो राहुल गांधी जी ने कहा तो उसके आधार पर है, भैया परिवार को जो 1,000 से 15 बढ़ा दिए उसमें है। तो फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी है, उनका जो जनसंपर्क यहाँ पर जारी है और दावा कर रही है कि वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुँची हैं और इन्हीं मुद्दों के दम पर वो अपनी सीट का, अपने संसदीय क्षेत्र का चुनाव फतह करेंगी। इस समय हम अनूपपुर विधानसभा के संजय नगर में हैं और कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार यहां पर जनसंपर्क जारी है, क्षेत्रीय विधायक हैं, क्या लग रहा है इस बार? यहां से कांग्रेस जीतेगी कोई बातें नहीं है, अगले बार भी जीती थी। अनूपपुर जिला से तीनों सीट से कांग्रेस जीता है और जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भी दौरा कर रहे हैं। शहडोल में पूरे संभाग की सभा हुई, उसमें हजारों लोग वहां पे पहुंचे और सब लोगों ने आश्वस्त किया है कि शहडोल संभाग से कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस के प्रत्याशी विजय होंगे। कार्यकर्ता हैं लेकिन महिला कार्यकर्ता भी हैं, लगातार आप जनसंपर्क में, रुझान क्या आ रहा है? बहुत बढ़िया रुझान आ रहा है हमारा। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा सरकार जो 5 साल रही है, महिलाओं का बहुत शोषण किया है हर मामले में, इसलिए सारी महिलाएं और कार्ली वर्कर जिन लोगों को, मतलब इन लोगों ने जो टैक्स लगाया है दुनिया भर का, उससे भी नाराज हैं। इसलिए हमारे भाई बंधु सब महिलाएं वोट करेंगी कांग्रेस को और भारी मतों से हमारी प्रत्याशी प्रमिला सिंह विजयी होंगी। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? मेरा भी यही है कि हमारी प्रमिला सिंह यहाँ से। कोई खास वजह? खास वजह नहीं, मतलब वो हमारी कांग्रेस पार्टी में इतना अच्छा प्रत्याशी मिला है, इसलिए इनकी ही जीत सुनिश्चित है। ये महिलाएं जो तमाम कार्यकर्ता हैं, आपको क्या लग रहा है? तो आप तो पूरी जो है संसदीय क्षेत्र में साथ में हैं, यूथ भी हैं, क्या लग रहा है आपको? जिस प्रकार से 5 साल में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को छला है, 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, आज युवा पकौड़े तल रहे हैं, युवा आज बेरोजगार है, कहीं भी युवाओं को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ना नौकरी की बात करें। नरेंद्र मोदी की सरकार जो झूठ और छलावे की सरकार है, प्रदेश की जनता जान चुकी है, देश की जनता जान चुकी है, इस बात नरेंद्र मोदी का जाना तय है। पहले के ज़माने में जो पिछली सरकारें थी, जिसकी रोना रो रहे हैं मोदी जी, तो वो सरकार थी, बड़े बड़े डैम बनवाए, जैसे आप ले लीजिए भाखड़ा बांध योजना, नरगी बांध योजना, ऐसे योजना बनवाए, तो उससे क्या हुआ, वाटर लेवल ऊपर आया और उससे किसानों को जो योजनाएँ बोली थी बीजेपी गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यकों के लिए, वो नहीं दी है। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमारे लिए, कल राहुल गांधी जी ने कल सभा में बोला है लालपुर में, कि हम अल्पसंख्यकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं काम करेंगे। हम पढ़े लिखे हैं तो हमें आगे का रास्ता मिले, यही अपील कर रहे हैं। जैसी सरकार ने वचनबद्ध किया है अतिथियों के लिए, तो उतने सारे अतिथि 1.5 लाख जो है मध्य प्रदेश के अंदर, उनके बारे में सोचें सरकार। हम बना रहे हैं सरकार इतनी उम्मीद से, तो हमारे बारे में भी सोच लें। हम ये करेंगे, हमें करना कुछ नहीं है, केवल झूठ बोलना है। बेरोजगार लड़के इतने ज़्यादा हैं, इस कॉलोनी में कम से कम 3,000 इंजीनियर लड़के बैठे हुए हैं, 3,000 इंजीनियरिंग करके बैठे हैं। तो हम ये चाहते हैं कांग्रेस सरकार आए, उनको कुछ रोजगार दे, और ये जुमलेबाजी जो सरकार है, इसके हम पूरा खिलाफ हैं। मोदी जी के आने के बाद जो है यहाँ सारे उद्योग जो है कोल इंडिया खास तौर पर, वो बंद करने के कगार पर खड़ा कर दिए हैं और आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करवा रहे हैं, जिससे क्या है कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार जो है, और जो बेरोजगार युवा हैं, उनको किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है और यहाँ कोई नौकरी नहीं है। इस तरह मोदी जी का यहाँ जो वो चल रहा है। और दूसरा ये है कि जैसे किसानों का है,
तो किसानों के वो केवल एक वादा करते हैं और इसके बाद वो सारे वादों से मुकर जाते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं, शहडोल की बात करें तो यहाँ पर रोजगार मुद्दा है, किसान मुद्दा है, कोल की समस्या है वो यहाँ पर मुद्दा है। इसके साथ ही तमाम राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर शहडोल का चुनाव होगा। कांग्रेस के बैनर से चुनाव लड़ी हिमाद्री सिंह इस समय बीजेपी की प्रत्याशी हैं। हम देख पा रहे हैं कि उनका जो जनसंपर्क है वो लगातार जारी है। और हम शहडोल लोकसभा क्षेत्र की बात करें, जो 8 विधानसभाओं में जो पूरा क्षेत्र बटा हुआ है, इसमें अधिकांश जो विधानसभाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की हैं। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि ग्रामीण इलाके में वो जो है डोर टू डोर वोट मांगने निकली है, डोर टू डोर वो जो है बाजारों में जा रही हैं और उनका जो जनसंपर्क है वो जारी है। ये देख पा रहे हैं कि तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ मौजूद हैं। और क्या इस बार के समीकरण हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट मांग रही हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। आपके मुद्दों की बात करें तो किस तरह के मुद्दे हैं? देखिए, अगर क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें तो हर जगह की अलग अलग समस्याएं हैं, तो वो तो क्षेत्रीय मुद्दे हो गए। और बाकी अगर राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो भाई, जैसे अब हमको जो लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का गौरव बढ़ाया है, तो हमको पूरा लगता है कि 2019 में एक बार फिर उनको उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री होना चाहिए। हम शहडोल क्षेत्र में आए हैं, देखे हैं कई तरह की समस्याएं हैं, कोल एक बड़ी यहाँ की समस्या है, जो कर्मचारी हैं बहुत कुछ चाहते हैं उससे, जो उनसे परेशानियां होती है उससे निजात चाहते हैं। आपके पास क्या जो है पूरा प्लान है, किस तरह से जो शहडोल के विकास की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर? शहडोल के मुद्दों की विकास करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर क्षेत्रों में अलग अलग समस्याएं हैं। अब अभी तो चूंकि अपन चुनावी माहौल में चल रहे हैं, समस्याएं हमको जगह जगह अलग अलग पता चलती हैं, कहीं रोड की पानी की समस्याएं हैं, तो जो जैसा जहां की क्षेत्रीय जैसी समस्याएं हैं तो उस हिसाब से अपन उसका निराकरण करेंगे। आप 2016 में लोकसभा का उपचुनाव लड़ी थी और काफ़ी कम अंतर से जो है आपकी हार हुई थी, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी से हैं तो सही जो है समीकरण का देख पा रहे हैं? देखिए, इस बार का जो चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि क्षेत्र की जनता हमें आशीर्वाद देगी, पार्टी को आशीर्वाद देगी और इस बार निश्चित तौर पर हम यहाँ शहडोल लोकसभा क्षेत्र में हम कमल का परचम लहराने में सफल होंगे। 8 विधानसभाएं हैं, 4 बीजेपी की, 4 कांग्रेस की, 50-50 है? नहीं, देखिए, लोकसभा विधानसभा में फर्क है और ऐसा नहीं है जैसा कि मैंने कहा कि हम संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित तौर पर कि क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलेगा। राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो उनको लेकर जनता के बीच क्या है, क्या सोच पा रही हैं आप, जनता क्या चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो जो नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है, देश सुरक्षित समृद्ध भारत की जो अपन बात करते हैं, तो ये रहेगा। पूरा आदिवासी सीट कही जाती है, तमाम हमने देखा है कि पूरा बेल्ट भी है, उन लोगों के लिए कोई बड़ी प्लानिंग आपके बीच आपके पास? आदिवासियों के लिए, देखिए, आदिवासियों के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो अपने सरकार ने पूर्व में भी किया है और चल रहा है, और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका हम अगर होता है तो हम निश्चित तौर पर उनको जन जन तक पूरा लाभ पहुंचाएंगे और उनका फ़ायदा उनको मिलेगा। फिर भी एक आपका आकलन क्या है कि इस बार के समीकरण क्या कह रहे हैं? आपने कहा कि जीत तो आपकी हो रही है, लेकिन कितने समीकरण क्या आप देख पा रही हैं? देखिए, ये तो वक्त बताएगा और वक्त जब आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा और पूर्ण बहुमत से
मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने में सफल होंगे। और क्या लग रहा है आपको, जो आपके स्टार प्रचारक हैं आपके, आपको लग रहा है कि किन लोगों को अभी आने की ज़रूरत है, उनकी सभाएं होने की ज़रूरत है? अब देखिए, अब 3-4 दिन में हमारे यहाँ अब 3 दिन बचे हैं मात्र शेष मतदान के लिए, तो अब तो ऐसा कोई किसी का कार्यक्रम अभी मेरे हिसाब से, मेरे को कोई जानकारी नहीं है, बना नहीं है। बाकी हमारे यहाँ शिवराज सिंह जी आए थे, राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम रहा, तो अब 3 दिन बचे हैं शेष मतदान को, तो अब हम पूरी तरह से हम पूरे उसमें संघर्ष में 3 दिन और संघर्ष करके और पूरे हम आश्वस्त हैं कि हमारी जीत होगी। ये तीबत बहुत कम समय बचा है, जनता का मूड आपने कितना माप लिया? देखिए, जनता का मूड है जी, जनता का मूड है, और मैंने आपको कहा कि हम निश्चित तौर पे, और पूरा मुझे विश्वास है, भरोसा है कि शहडोल लोकसभा क्षेत्र में कमल का परचम लहरेगा। यहाँ के मतदाताओं की बात करें तो उनका मूड बड़ा जो है अलग किस्म का है, कभी बीजेपी, कभी भाजपा, कभी निर्दलीय, कभी जो है सोशलिस्ट पार्टी के यहाँ से भी उम्मीदवार विजयी रहे हैं, तो इस बार का आप पूरी तरह से क्या मूड पकड़ पाए हैं जनता का? देखिए, जो अगर आप अभी मैं हाल की बात करूं, अगर विधानसभा की बात करूं, तो जनता अब जान चुकी है कि कांग्रेस ने जो उनसे वादे किए थे, जो झूठे वादे किए थे, किसान कर्ज माफ़ी होगा, वो सब कुछ हुआ नहीं है, तो इस बार जनता जो है इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। तो ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जो हिमाद्री सिंह है बीजेपी के प्रत्याशी, उनका जनसंपर्क यहाँ पर लगातार जारी है, हालांकि मतदान में कम समय बचा है, लेकिन वो दावा कर रही है कि इस बार जो शहडोल लोकसभा है उस पर बीजेपी का कब्जा होगा, बीजेपी कब्जा करेगी, इस तरह का दावा बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह कर रही है। इस समय बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह का जनसंपर्क चल रहा है, और ये देख पा रहे हैं कि जो तमाम लोग हैं ये डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, और जो वोट मांगे जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मांगे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है प्रचार कर रहे हैं। क्या समीकरण क्या देख पा रहे हैं मोदी मोदी क्या समीकरण देख पा रहे हैं जी? समीकरण क्या देख पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जीत रही सर जी। जी क्यों क्यों जीत रही है? ठीक लगता है नरेंद्र मोदी का, 5 लाख से जीती है। क्यों जीत रही है? काम करेगी, मोदी ने काम किया है, देश के काम किया है, गरीबों का हित किया है, घर घर में बिजली दिया, घर घर में पानी दिया है, ये जन्म से लेके मरण तक के उसने काम किया है, ऐसे ऐसी योजना जो है देश में लाया है मोदी जी, इसलिए सरकार अभी तक हमने नहीं देखा। हाँ, जैसा मोदी जी ने इस देश में काम किया है वैसा किसी प्रधानमंत्री ने किया है काम। क्या शहडोल के मुद्दे क्या है? शहडोल के मुद्दे यही है कि हमको जो प्रत्याशी है श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, हिमाद्री सिंह जी से अच्छे कोई प्रत्याशी है नहीं, और वो पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री दलबीर सिंह जी के मुद्दे क्या हैं शहडोल के? मुद्दे ये हैं कि हमको जो है सबका साथ सबका विकास, सबको लेके हमको जो है चलना है, और मोदी जी जो है देश का जो रक्षा कर रहे हैं, मोदी जी से बढ़कर इस देश में नहीं है, जो पूरे देश में और पूरे राष्ट्र में मोदी जी जो है अपना भारत देश को जो है आगे बढ़ाया है, और मोदी जी विरोधियों को, आतंकवादियों को जो है हर तरीके से जो है सफाया कर रहे हैं, तो मोदी जी से बढ़कर इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी जो है पाकिस्तान में जो है स्ट्राइक करके और भारत का जो है शान बढ़ाए हैं, इसलिए मोदी जी से बढ़कर कोई नहीं है, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी शहडोल संसदीय क्षेत्र से बहन हिमाद्री सिंह भारी मतों से विजय हासिल करेंगे। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं वहाँ के भाई साहब? ये देश ही था और राष्ट्रभक्ति में काम कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए हम लोग उनके ऊपर समर्पित हैं सभी लोग। तो ये आप जो हिमाद्री सिंह को वोट देने की बात कर रहे हैं, ये क्या हिमाद्री सिंह को वोटिंग है, उनका प्रचार है मोदी जी का प्रचार है? ये मोदी जी का हिमाद्री सिंह का है, क्योंकि अच्छा छवि है मोदी जी का, और अभी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह को भारतीय जनता पार्टी चुना है, वो अभी जनता के सामने उनका लगाव और लगन प्रत्याशी है, और वो जनता की सेवा करने के रूप में अभी जनता के बीच में है, और हिमाद्री सिंह हमारे शहडोल संसदीय क्षेत्र से भारी मतों से विजय हासिल करेंगे।
समय हम अनूपपुर के लीला टोला इलाके में हैं और देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो पूरा ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ पर जो साफ तौर पर ये जो तस्वीरें साफ हैं कि यहाँ पर विकास की स्थिति क्या है, और ये जो तमाम लोग आए हैं ये आज का दिन बाजार का है और बाजार में खरीदारी करने आए हैं। लोगों की यहाँ पर किस तरह की समस्या है, क्या स्थिति है, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। बताइए क्या परेशानी है आपको? हमारे यहाँ पानी का तकलीफ बहुत है और शौचालय का पैसा हमको 6-6 हजार दिए, नहीं 6-6 हजार रुपए को रोक नहीं डाल रहे हैं, डाल नहीं रहे हैं। पानी की परेशानी बहुत ज्यादा है, हर सब चीज की परेशानी। कहाँ से लाना पड़ता है? वो नर्मदा से लाना पड़ता है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं ना, तब से अच्छी विकास हुई है, पहले से बहुत अच्छी विकास हुई है, अब फिर से मोदी को जिताना है। हम नरेंद्र मोदी को चाहते हैं कि देश में उसने बहुत हमारे गरीबों के लिए सोच बनाया, जैसे कभी कोई गरीब कभी भविष्य में नहीं सोचे थे कि हमारे पक्का मकान बनेंगे, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कि आज हम लोगों के लिए इतना एक पक्का मकान रहने के लिए, और महिलाओं के लिए जो लकड़ी के लिए जाते थे परेशान होते थे धुआं से, उसके लिए उज्ज्वल योजना का लागू किए। शहडोल संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का मूड जरा अलग किस्म का है। यहाँ की जनता ने बीजेपी कांग्रेस के अलावा बसपा, जनता, लोक दल और सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी पर मोहर लगाई है। हालांकि इस बार मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और दोनों ही प्रत्याशी दमदार होने से यहाँ पर इस बार कांटे की टक्कर है। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, शहडोल।